हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 मार्च 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का न्यूज़पेपर भी पूरी तरीके से कोरोना वायरस पर केंद्रित है। जिस तरीके से भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उसको सफल बनाने के लिए बार बार प्रधानमंत्री द्वारा अपील की जा रही है, मीडिया द्वारा अपील की जा रही है और जितने जिम्मेदार लोग हैं, सांसद, विधायक, नेता, सबके द्वारा ये अपील की जा रही है कि इस जनता कर्फ्यू के बाद जो ये लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया गया है उसको सफल बनाया जाए। इसके साथ ही ओलंपिक जो स्थगित हो गए थे, यानी कि एक साल के लिए स्थगित किए गए थे, उनकी नई तारीखों पर भी विचार चल रहा है और किस तरीके से चीन में अब स्थिति सामान्य हो रही है, ये सारी न्यूज़ आपको इस आज के न्यूज़पेपर में मिलेंगी। और एडिटोरियल पेज में भी कोरोना वायरस से संबंधित आर्टिकल हैं, हम देखेंगे कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। उसके साथ ही बिजनेस पेज, स्पोर्ट्स पेज, सभी पेजों को हम कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ हमारे लिए 5 हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं, 21 दिन में जीत लेंगे कोरोना से लड़ाई, ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीत लिया गया था, आज कोरोना के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लड़ेंगे। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण सारथी थे, आज देश की 130 करोड़ जनता सारथी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासी गलतफहमी से बाहर निकल रहे हैं। देश इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है, संक्रमण का फैलना नहीं रुका तो कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यह महामारी गरीब या अमीर नहीं देखती है, दृढ़ संकल्प से ही इसको हराना संभव है। आज फिर संकल्प लें कि हम किसी भी हालत में 21 दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, उचित दूरी बनाए रखेंगे। मोदी ने कहा कि काशी का अर्थ है शिव यानी कल्याण, महादेव की नगरी काशी में ही इस संकट की घड़ी में सबको मार्ग दिखाने का सामर्थ्य है। काशी ही देश का मार्गदर्शन कर सकती है। काशी तो शाश्वत, सनातन और समयातीत है। मतलब कुल मिला के नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है कि इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, यानी जनता की जिम्मेदारी है। सरकार जितने प्रयास कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा प्रयास कर रही है। लोगों को आपूर्तियां अब घर तक पहुंचाई जाएंगी, जो भी सामान उन्हें चाहिए होगा वो फ़ोन एक कॉल पर उनके घर सामान पहुंचा दिया जाएगा। इतनी सुविधाएं अगर सरकार दे रही है तो अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर पर रहकर इस लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कानपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए मिली भूमि। कानपुर और प्रयागराज में केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर आ रही बड़ी बाधा खत्म हो गई है। इन भवनों के निर्माण के लिए अब रक्षा मंत्रालय भूमि देगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय अब यह भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को हस्तांतरित कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में दोनों शहरों के केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कानपुर में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय जहां 5 एकड़ भूमि देगा, वहीं प्रयागराज के ओल्ड कैंप स्थित केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए 8 एकड़ भूमि दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बुधवार को 2 और लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में महिला और तमिलनाडु में पुरुष ने दम तोड़ दिया। दोनों ही राज्यों में इस खतरनाक वायरस से ये पहली मौतें हैं। 76 से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा भी 600 के पार चला गया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 15 और केरल में 9 केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 632 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने बुधवार को मदुरै में कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव 54 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति सुगर, हाइपरटेंशन और फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त था।
वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 65 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में 75 साल की एक संदिग्ध संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन कोरोना की पुष्टि के लिए दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है। वह हाल ही में मक्का से लौटी थी। कुल संक्रमितों की में 43 विदेशी हैं, 43, और जान गंवाने वाले 11 व्यक्ति जो स्वस्थ हो चुके हैं वो 43 व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए हैं, टोटल 15 हो गए हैं। दिल्ली में 5 नए आए हैं, टोटल 35 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 4, टोटल 11। पंजाब में 2 नए मामले, टोटल 31। उत्तर प्रदेश में 2 नए मामले, टोटल 39। मतलब ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, देश भर में सुरक्षा बलों के अस्पतालों में भी आइसोलेशन बेड। कोरोना संकट से लड़ाई में सरकार के साथ साथ सुरक्षा बल भी अब एकजुट हो गए हैं। सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज और आइसोलेशन के लिए देश भर में मौजूदा सुरक्षा बलों के 32 अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। इन अस्पतालों में कुल 1900 बेड हैं। इसके अलावा सेना के हथियार और उपकरण बनाने के लिए जिम्मेदार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी नोवेल कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए 550 से अधिक लोगों के लिए आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक सीमा प्रबंधन के सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में आपात स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समग्र अस्पतालों को कोविड-19 से मुकाबले में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इन 32 अस्पतालों के 1900 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड और कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के लिए इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, फिलहाल जनगणना और एनपीआर नहीं होगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 3 हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद भारत के महापंजीयक यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 2021 की जनगणना के पहले चरण और उसके साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। यह पूरी प्रक्रिया 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर तक पूरी की जानी थी, लेकिन आरजीआई ने अभी तक जनगणना के दूसरे चरण, जिसमें देश में रहने वाले लोगों की गिनती की जाती है, को स्थगित नहीं किया है। तो ये नेशनल न्यूज पेज की हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इसमें 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, कोरोना वायरस से स्पेन में चीन से भी ज़्यादा मौतें। कोरोना की महामारी के चलते पिछले 24 घंटे में स्पेन में 738 लोगों की जान चली गई। इस तरह स्पेन में मृतकों की कुल संख्या 3,434 हो गई है। चीन में यह आंकड़ा फिलहाल में 3,281 है। इटली में 24 घंटे में 683 लोगों की मौत हुई है और वहां कुल मृतकों का आंकड़ा 7,503 पर पहुंच गया है, जबकि 69,176 लोग संक्रमित हैं। स्पेन का यह हाल तब है जब वहां पर पिछले 11 दिनों से लॉकडाउन है। देश में संक्रमितों की संख्या 47,610 बताई जा रही है। पूरे विश्व में मृतकों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 20,799 पर पहुंच गया है। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 4,58,662 हो गया है। 1,13,776 संक्रमित अभी तक स्वस्थ हुए हैं। महामारी से सबसे ज्यादा स्पेन की राजधानी मैड्रिड प्रभावित है। वहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 14,957 है। यह कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या का 1/3 है। मैड्रिड में होने वाली मौतों की बात करें तो अभी तक 1,825 लोगों की जान जा चुकी है। यह देश में हुई कुल मौतों का 53% है। सबसे ज्यादा स्थिति इटली में भयावह है, क्योंकि इटली में 7,503 लोग की जान चली गई है कोरोना वायरस से। स्पेन उसके बाद है, जिसमें 3,434 लोग मरे हैं। चीन में 3,281, उसके बाद ईरान में स्थिति खराब है, 2,077 लोग मरे हैं, और उसके बाद फ्रांस में 1,100 और अमेरिका में 827। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित तीसरा मरीज सामने आ गया है और न्यूजीलैंड में भी अब आपातकाल लगा दिया गया है।
यूएन ने भारत में लॉकडाउन को मजबूत कदम बताया है। ये छोटा सा पॉइंट दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इस विश्व संस्था की स्वास्थ्य एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन के फैसले की सराहना करते हुए इसे व्यापक और मजबूत कदम करार दिया है। यूएन न्यूज की ओर से जारी एक वीडियो संदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र भारत के साथ है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन के वुहान में 2 माह बाद बस सेवा शुरू। कोरोना वायरस के केंद्र मध्य चीन के हुवेई प्रांत के वुहान शहर में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। शहर में 2 महीने बाद बुधवार से बस सेवा बहाल कर दी गई है। वुहान को छोड़ हुबेई के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन खत्म होने पर लोग ट्रेन और बस पकड़कर प्रांत से बाहर भाग रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। गत दिसंबर में वुहान से ही पूरे चीन और दुनिया में कोरोना वायरस फैला था। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 4 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज देख लेते हैं। ग्रामीण बैंकों को सरकार देगी 670 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केंद्र सरकार की तरफ से 670 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। इस राशि से देश के तमाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपना पूंजी आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे वे वैधानिक तौर पर पूंजी पर्याप्तता स्तर यानी CAR को 9% बनाए रख सकेंगे। CCEA की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है। मुनाफाखोरी को सरकार ने दी मुनाफाखोरों यहां पर को सरकार ने दी है कड़ी चेतावनी। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रकोप को रोकने के लिए 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में महंगाई का रुख दिखने लगा है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे नाजुक समय में मुनाफा काटने वालों की कड़ी चेतावनी दी है। केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जिस बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और लॉकडाउन के दौरान राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। पत्र के मुताबिक लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना जरूरी है, मगर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए राज्यों में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है। शेयर बाजारों के लिए 10 साल का सबसे अच्छा दिन। दुनिया भर में कोरोना के कहर के चलते बड़ी गिरावटों का सामना करने वाले शेयर बाजारों में रौनक लौटती दिख रही है। बुधवार को सेंसेक्स व निफ्टी ने 10 साल का सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया है। मंगलवार को भी बाजार बढ़त में रहे। इस तेजी से जहां वैश्विक बाजारों में बढ़त की भूमिका रही, वहीं सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज की उम्मीद से भी निवेशकों का हौसला बढ़ा है। बुधवार को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,861.75 अंक बढ़कर 28,535.78 अंक पर बंद हुआ। मंगलवार को भी सेंसेक्स 692.89 अंकों की बढ़त के साथ बढ़त दर्ज की गई थी। तो ये एक अच्छी खबर है निवेशकों के लिए या फिर जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं कि अब स्थिति कुछ वहां पर सामान्य हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है। क्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंध। सरकार ने कोरोना से लड़ने में अब तक सबसे असरदार दिख रही दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर बुधवार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के उपचार में क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। 150 से अधिक देशों में इस दवा की काफी मांग है। देश में दवा की कमी की आशंका को देखते हुए बुधवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से दवा और इसके फार्मुलेशन दोनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। इस प्रतिबंध के साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगर विदेश मंत्रालय किसी शिपमेंट की सिफारिश करे तो उसके निर्यात को इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही उन मामलों में भी निर्यात की छूट रहेगी जिसमें विक्रेताओं ने शिपमेंट का भुगतान एडवांस में ले लिया है। अमेरिका में कोरोना से लड़ने
में इस दवा के इस्तेमाल की अनुशंसा के बाद भारत में बाजार में इस दवा के कच्चे माल की कीमतों में 300% का इजाफा हो गया था। तो ये बिजनेस पेज की इंपॉर्टेंट चार न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए तीन आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, पहली जरूरत है जिंदगी बचाना। जिस तरीके से कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी बन चुका है, महामारी बन चुका है, उसमें सबसे पहले अपनी जिंदगी को बचाना है, ना कि आप बाहर निकलें कि सड़क पर किस तरीके से सन्नाटा है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, उसी पर ये लिखा गया है आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन कुमार ने। दूसरा आर्टिकल है वीआईपी संस्कृति पर भी प्रहार की दरकार। अब किस तरीके से डॉक्टर, नर्स और पुलिस पूरी मतलब जद्दोजहद के साथ इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो अगर कोई वीआईपी एयरपोर्ट पर जाता है या फिर अस्पताल में जाते हैं, तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से वीआईपी कल्चर को भी खत्म करने की एक मुहिम है, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ ए सूर्य प्रकाश ने। और तीसरा आर्टिकल है 21 दिन की लड़ाई। किस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जो 21 दिन की लड़ाई का ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, उस लड़ाई को हमें और आपको मिलकर जीतना है, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो हम सबसे पहले अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहली जरूरत है जिंदगी बचाना। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का फैसला किया है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया के इतिहास में 130 करोड़ जितनी बड़ी आबादी को एक साथ लॉकडाउन किए जाने की अभूतपूर्व घटना है। यह समझना जरूरी है कि मोदी के संबोधन के मायने क्या हैं, क्या है इस संकट के संदेश, सवाल और चुनौतियां। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्य क्या हैं? मोदी के संबोधन में सबसे खास बात थी कोरोना को रोकने के लिए बार बार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन 21 दिनों के दौरान हम इस महामारी को रोकने में सफल नहीं हुए, तो भारत में कितना विकराल रूप ले सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का, आप देख रहे हैं, कितना बड़ा देश है। प्रधानमंत्री की इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में, जहां स्वास्थ्य साधनों की एक सीमा है, वहां इससे न केवल लाखों की जान को खतरा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश बहुत पीछे चला जाएगा। आपने प्रधानमंत्री का संबोधन अगर देखा हो, सुना होगा, तो प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि जब जो विकसित देश हैं, जैसे फ्रांस, इटली, चीन, अमेरिका, ये जब कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ तबाही मच रही है, तो भारत में अगर ये वायरस फैल गया और ये स्थिति अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो वो भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। यानी कि स्थिति यहाँ पर विकराल रूप ले सकती है और देश को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर स्पष्ट किया कि इस लॉकडाउन की आर्थिक कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हर भारतीय की जान बचाना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि अगर इस, देखिए, वैसे भी आर्थिक स्थिति फिर सुदृढ़ हो सकती है, लेकिन अगर ये महामारी फैली जिस तरीके से इटली में फैल रही है, तो जो इटली आर्थिक रूप से तो फिर मजबूत हो जाएगा, लेकिन जो 7,000 या 8,000 लोगों की जान चली गई, वो जाने वापस दोबारा नहीं मिलेंगी, नहीं आएंगी। अफसोस है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग द्वारा उनके इस कदम की खिल्ली उड़ाई जा रही है। मजहब और अस्मितावादी राजनीति करने वाले लोग और तथाकथित बुद्धिजीवी भी इसमें शामिल हैं। एक अंग्रेजी दैनिक ने तो सोशल डिस्टेंसिंग पर इतना ज्यादा जोर देने को गैर जरूरी बताया, जबकि WHO के साथ साथ देश के प्रमुख स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने लॉकडाउन और उसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा उपाय बताया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत जरूरी है। और ICMR के एक गणितज्ञ मॉडल के आधार पर बताया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन किया गया, तो इससे संभावित मामलों की संख्या 60 से 90% तक कम हो जाएगी। देखिए, अगर प्रधानमंत्री द्वारा ये फैसला लिया गया है, तो सिर्फ ये प्रधानमंत्री का फैसला नहीं होगा,
इसमें पूरी एक कमिटी होगी जिसमें मेडिकल मेडिकल क्षेत्र के लोग होंगे और जो स्वास्थ्य जितने भी जानकार लोग होंगे, एक बहुत ही अच्छी टीम द्वारा ये फैसला लिया गया होगा, सोच समझकर फैसला लिया गया है। इसलिए जो लोग इसको निगेटिव तौर पर देख रहे हैं या फिर इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके लिए उनको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले लिया है 21 दिन का, कि 21 दिन बोल दिया आप अपने घर में रहिए। ये एक सोची समझी रणनीति होती है। पहले इसमें पूरा विचार किया गया होगा, इसको देखा गया होगा, इसकी जांच की गई होगी, कितने दिनों में ये कोरोना वायरस कमजोर पड़ता है और कितने दिनों में पूरी तरीके से ये खत्म हो सकता है, उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि 60 से 90% तक कमी आ जाएगी अगर 21 दिन तक लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोरोना पूरी तरीके से भारत से खत्म हो सकता है। संभवतः इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस तरह फैसले दौरान फैलने वाली अफवाहों को नज़रअंदाज करने और दूसरों को जागरूक करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं के प्रति नकारात्मकता लोगों की धारणा की एक मिसाल देखिए। केंद्र सरकार कोरोना से जुड़ी सुविधाओं उपकरणों पर 15,000 करोड़ खर्च करेगी, जबकि वह पहले से ही कई आर्थिक दबावों से घिरी है। अच्छा होगा कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी कम से कम एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करें। यही अपेक्षा निजी क्षेत्र के माध्यम और उच्च वेतन भोगियों से भी है। इसके अतिरिक्त अन्य आउट ऑफ बॉक्स उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, यह हम सब जानते हैं कि भारत में कोरोना संकट लाने फैलाने के जिम्मेदार विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त वे भी भारतीय हैं जिनका विदेश आना जाना होता है। इनमें से अधिकांश अत्यंत संपन्न हैं। ऐसे संपन्न कोरोना मरीजों से उनकी एक माह की आय सरकारी कोष में जमा कराई जाए, जिन्होंने अपना मर्ज छिपाया उनसे कम से कम 3 महीने की आय वसूली जाए। इस तरह से प्राप्त धन को जन धन खातों के माध्यम से गरीब दिहाड़ी मजदूरों तक पहुंचाया जा सकता है। फिक्की जैसे उद्योग संगठन ने भी जन धन खातों का उपयोग कर एक बारगी भुगतान का सुझाव दिया है। बेशक कोरोना आपदा एक विकराल चुनौती है, लेकिन जैसा कि WHO ने कहा कि भारत के पास इससे निपटने की क्षमता है, मोदी के शब्दों में जरूरत बस धैर्य, संयम और उदारता की है। ये बात भी सच है कि जिस तरीके से विदेश से लोग आए और उन्होंने इस मर्ज को छुपाया, चाहे वो गायिका कनिका कपूर हो, ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मर्ज उसी समय अपने आप को आइसोलेट कर लेती या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाती, तो कई तरीके से बहुत तरीकों से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता था। और हमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष, अगर प्रधानमंत्री द्वारा 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, तो अगर हम उसमें कुछ थोड़ा सा भी अंश दान कर दें, तो ये एक अच्छा प्रयास होगा और एक मदद होगी भारत सरकार की। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। VIP संस्कृति पर भी प्रहार की दरकार। संकट के इस गहन समय में विभिन्न पेशों से जुड़े लोग कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम छेड़ने के मामले में नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। अगर हमने जरा भी ढिलाई की तो वायरस भीषण कहर बरपा सकता है। इन लोगों और इनसे जुड़े संस्थानों पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी अपनी सेवाओं से मिसाल बने हुए हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सेना, एयरपोर्ट पर तैनात अमले के लोग, केंद्र सरकार और संजीदा राज्य सरकारों के अलावा ICMR जैसे तमाम संस्थान और उनमें कार्यरत लोग शामिल हैं। उनमें एक नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुशासन और आत्मविश्वास दिख रहा है। इसके पीछे बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है, जो अग्रिम मोर्चे में अगुवाई में लगे हुए हैं। ये बात सच है कि जिस तरीके से डॉक्टर, नर्स ये भी चाहते तो छुट्टी लेकर बैठ सकते थे, क्योंकि ये वायरस उनके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना हमारे और आपके लिए है, लेकिन नहीं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे वो कुछ घंटे के लिए हो या फिर 24 घंटे के लिए हो। वो जिस प्रेरणा से लगे हुए हैं, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। जैसा कि दिल्ली में कुछ घटनाएं आ रही थी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्स हैं, अगर वो किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक उन पर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा इसमें फैसला दिया है कि अगर कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उस मकान मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो नर्स अपने अपने लिए नहीं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो इस समय में हमें उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उन्हें बेघर किया जाना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने इस पे कड़ी कार्रवाई करते हुए चेतावनी दे दी है कि अगर कोई ऐसा
मामला सामने आया तो मकान मालिक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर जैसा प्रकरण यही दर्शाता है कि जहां विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय पेशेवर प्रधानमंत्री की बात को गांठ बांध कर कार्यरत हैं, वहीं राजनीतिक बिरादरी उनके संदेश को समझने में पीछे रह गई। कनिका का मामला उम्दा मिसाल है कि वीआईपी संस्कृति कैसे हमारे देश का बेड़ा गर्क कर सकती है। जब यह बात सामने आई कि बीते दिनों लखनऊ और कानपुर में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली कनिका कोरोना संक्रमित हैं, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कार्यक्रमों में देश के कई जाने माने लोग शामिल हुए थे। जब यह मामला सामने आया तो यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ लापरवाही बरतने और दूसरों की जान जोखिम में डालने के आरोप का मामला दर्ज किया। उनका सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने का कृत्य अक्षम्य है। जो नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए उनकी भी जवाबदेही बनती है। जब प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य जानी मानी शख्सियतें एवं संस्थाएं द्वारा लोगों को जलसों में एक दूसरे से एकांत में रहने की सलाह दे रहा है, तब आखिरकार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सहित कई मंत्री उस पार्टी में शामिल हुए ही क्यों, जिसके मेहमानी में सूची में कनिका भी शामिल थी। तो ये एक वीआईपी कल्चर है। जब एक प्रधान देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, लोग एक जगह एकत्रित ना हो, वहाँ पर आप वीआईपी पार्टीज कर रहे हैं, वहाँ पर एक अपना वीआईपी कल्चर दिखा रहे हैं कि हम लोग वीआईपी लोग हैं और हम लोग एक जगह होकर भव्य पार्टी करेंगे, उसी का नतीजा है कि आपने खुद अपने आप को 10 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया था। तो आप ऐसा काम करें ही क्यों? क्यों वीआईपी कल्चर की ज़रूरत है? अगर प्रधानमंत्री खुद को आप साधारण व्यक्ति के तौर पर पेश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? और इसमें इस आर्टिकल में आगे ये लिखा गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों का जिम्मा है। ऐसे में यह राज्यों पर है कि वह जनता को खतरे में डालने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई करे। तमाम तरह की स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास कई विधायी प्रावधान हैं, लेकिन वे बमुश्किल लागू हो पाते हैं। इन प्रावधानों का इस्तेमाल करने में हिचकना नहीं चाहिए, वो भी इस समय। भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में भारतीय प्रावधान में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी या लापरवाही से कोई संक्रमण फैलाता है तो उसे 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। अगली धारा है 270 और कड़ाई का प्रावधान करती है, जिसमें इसके लिए 2 साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों का ऐलान इसमें प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कनिका पर FIR दर्ज की है। धारा 188 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी आदेश की अवहेलना पर मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने पर कार्रवाई होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 21 दिन की लड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और साथ ही पूरे देश की जनता को संबोधित करते हुए यह उम्मीद जताई कि जिस तरह महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीत लिया गया था, उसी तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और इसे 21 दिन में जीत लिया जाएगा। उनका यह वक्तव्य आशंकाओं से घिरे देश को सबल और प्रबल बनाता है, लेकिन देशवासी एक क्षण के लिए भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। यह वह कठिन लड़ाई है जिसमें हर किसी को अपनी अपनी तरह से योगदान देना है। सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि लोग सामाजिक रूप से अलग थलग रहें, सेहत सफाई को लेकर सजगता बरतें और उन सब निर्देशों को का पालन करें जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से दिखाए या दिए जा रहे हैं। ऐसा करते हुए केवल संयम और अनुशासन का ही परिचय नहीं देना होगा, बल्कि उन सब की चिंता भी करनी होगी जो निर्धन और असहाय हैं। शासन प्रशासन के साथ समाज के सक्षम वर्ग को लॉकडाउन के इन कठिन दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक अलगाव का सख्ती से पालन करते हुए वह सब कुछ करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिससे निर्धन तबके की मदद हो सके। ऐसा करके ही हम कोरोना वायरस के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को आसानी से लड़ और जीत सकेंगे। तो ये आज एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे और तीनों आर्टिकल में यही समझाया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, घर पर रहें और जरूरी सामान बहुत ही जरूरत हो तभी लेने के लिए निकलें। इसी तरीके से हम कोरोना वायरस को भारत से हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए 2 न्यूज हैं। पहली न्यूज देख लेते हैं। ओलंपिक अगले साल गर्मियों में होने की उम्मीद।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने बुधवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक अगले साल गर्मियों जून या जुलाई से पहले हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इन खेलों के कार्यक्रम को बनाना मुश्किल चुनौती होती है। जापान के प्रधानमंत्री एबी सिंजो ने बॉक ने मंगलवार को इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया था। बॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खेलों के स्थगित होने का मामला मतलब ये है कि सभी पक्षों को बलिदान देना होगा, और अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि जापान में भी इसके केस दर्ज किए गए थे और कई देशों के लोग वहां पहुंचेंगे, चाहे वो चीन का हो, इटली, भारत, फ्रांस, रूस, तो किसी न किसी तरीके से वहां पर महामारी फैल सकती थी, तो इसको रोकने के लिए जो स्थगन किया गया है वो एक अच्छा प्रयास है। फुटबॉलर अब्दुल लतीफ का निधन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व मिडफील्डर और 1970 के बैंकॉक एशियन गेम्स की कांस्य पदक विजेता टीम के प्रमुख सदस्य रहे अब्दुल लतीफ का सोमवार को गुवाहाटी में निधन हो गया, और उन्होंने एशिया कप क्वालिफायर 1968 और मर्डेका कप 1969 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उस आखिरी भारतीय टीम का हिस्सा होना था जो एशियन गेम्स में पदक जीती थी। तो ये स्पोर्ट्स पेज की दो न्यूज़ थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 21 दिन में जीत लेंगे कोरोना से लड़ाई, ये बोला है प्रधानमंत्री ने। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार और इसमें मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। ओलंपिक अगले साल गर्मियों में होने की उम्मीद, थॉमस बॉक ने बोला है जो आईओसी के अध्यक्ष हैं। भारतीय फुटबॉलर अब्दुल लतीफ का निधन। ग्रामीण बैंकों को सरकार देगी 670 करोड़ रुपए। सीएआर को 9% बनाए रखने में ग्रामीण बैंकों को मदद मिलेगी। क्लोरोक्वीन के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आज का यानी 26 मार्च 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।